स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए बताती हूँ फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे। और ये फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान और इजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ फ्रूट्स को हमने इस तरीके से धो के और इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे हमने गैस ऑन करके, और गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी दूध, और 1 लीटर दूध हमने लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा दूध ले सकते हैं, और 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और जो दूध हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे, बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध बॉयल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक कटोरी दूध निकाल लिया था कच्चा ही, और इसमें मैं डालूँगी 5 से 6 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसे अच्छा से चम्मच से मिलाऊँगी मैं। और ये ठंडा दूध है, तो उबालने से पहले ही मैंने दूध निकाल लिया था। ठंडे दूध में हम कस्टर्ड को घोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लम्स फ्री ये घुल चुका है। तो इसे हम दूध में ऐड कर देंगे घोलने के बाद, और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। और इसे जब हम पकाएंगे अच्छे से, तो ये गाढ़ा होने लगेगा। अब यहाँ पे हम दूध में 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप अपना स्वाद के हिसाब से चीनी ऐड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये पकने लग गया है दूध में कस्टर्ड, तो अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो 1 से 1.5 मिनट और मैं इसे पकाऊँगी, और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब गैस को ऑफ करके मैं एक बाउल में इसे निकाल लूँगी, ठंडा होने दूँगी। तो फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद इसमें 1/2 कटोरी इसमें डालूँगी फ्रेश क्रीम, और ये 5 से 7 चम्मच है, और इसे अच्छा से मिला लूँगी इसमें। तो आप देख सकते हैं हमने मिला लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी फ्रूट्स अपने। तो फ्रेंड्स, आप इस सारे फ्रूट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले एप्पल को मैं डालूँगी, उसके बाद से अंगूर को, ग्रीन अंगूर, ब्लैक अंगूर डालूँगी, और कुछ अनाज को हमने छिल लिया है उसे भी ऐड करूँगी। एप्पल्स डालूँगी, और उसके बाद से बनाना ये है इस तरीके से पीसेज में। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से फ्रूट्स के ले सकते हैं, और इसमें फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से फ्रूट्स लें। और इसे अच्छा तरीक़ा से हम इस तरीके से मिक्स करके, उसके बाद से इसे मैं रख दूँगी 3 घंटे के लिए फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे हो चुके हैं, इसे रख देती हूँ 3 घंटे के लिए, उसके बाद मैं निकाल के बताती हूँ आपको। तो ये 3 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा ये हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं, और सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, सर्व कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है, और जो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, यम्मी बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी। और यदि आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गर्मी इस गर्मी आप इसे ज़रूर बनाएं, और हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।